अदानी को अमीर बनाने में पीएम मोदी का हाथ। गौतम अदानी ने ऐसे दावों को किया खारिज। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने शुक्रवार को बैठक की, जिसमें अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले पर चर्चा और जांच की मांग संसद के दोनों सदनों में उठाते रहने पर जोर दिया गया। वहीं दुनिया के जाने माने उद्योगपति गौतम अदानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के पीछे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों के दावों को खारिज किया है। गुजरात से होने के कारण किया जा रहा टारगेट। एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में गौतम अदानी ने पीएम मोदी के साथ अपने किसी तरह के संबंध होने संबंधी दावों को निराधार बताते हुए कहा कि तथ्य यह है कि वह और पीएम दोनों एक ही राज्य गुजरात से हैं। इसी कारण उन्हें ऐसे आरोपों के लिए टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। सच्चाई यह है कि मुझे किसी एक नेता की वजह से पेशेवर सफलता नहीं मिली है। बताते चले कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह को 5 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि अब देश की संसद में हल्ला मचना शुरू हो चुका है। ऐसे में उन निवेशकों चिंता बढ़ गई है जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में लगा रखी है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में अदानी के शेयरों में गिरावट के कारण स्टॉक मार्केट में लिस्टेड उनकी कंपनियों की कुल मार्केट कैप में 100 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। अदानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बताया निराधार इधर। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों ने अदानी समूह से जुड़े मामले पर चर्चा और आरोपों की जांच की मांग संसद के दोनों सदनों में उठाते रहने पर जोर दिया। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों की मांग है कि पूरे मामले की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। गौरतलब है कि अदानी एंटरप्राइजेस ने बुधवार को अपने 20,000 करोड़ रुपए के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम यानी FPO को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की थी। हालांकि कंपनी के FPO को मंगलवार को पूर्ण अभिदान मिल गया था। समझा जाता है कि अदानी एंटरप्राइजेस ने यह कदम अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उठाया है। अदानी समूह ने रिपोर्ट को निराधार बताया था।